राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले से हड़कंप मचा हुआ है। पहले नीट एग्जाम का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ, इसके बाद अब एसआई भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट लीक होने के बाद अब प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और फिर ओएमआर शीट भी वायरल हुई थी। अलवर में ओएमआर शीट वायरल करने के मामले में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी परीक्षार्थी हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला बताया गया है। इसका सेंटर अलवर के स्कीम 4 राजेंद्र नगर स्थित नेहरू स्कूल में था। 15 सितंबर की सुबह की पारी में परीक्षार्थी ने अपने मार्कशीट की फोटो मोबाइल से खींची और उसे वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद सरकार के स्तर पर निर्देश जारी हुए और रात 2 बजे अलवर के कोतवाली थाने में आरोपी परीक्षार्थी जयदेव शर्मा के खिलाफ परीक्षा अधिनियम 1992 की धारा 1/6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शर्मा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगत राजपूत में टीचर हैं और परीक्षा केंद्र नेहरू माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर अलवर की पर्यवेक्षक थी, इन्होंने दर्ज कराया है कि 15 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रथम पारी में परीक्षार्थी था जयदेव शर्मा सन ऑफ भूरदत्त निवासी हनुमानगढ़। इसके द्वारा अपनी ओएमआर शीट को मोबाइल से फोटो खींचकर इसको वायरल किया गया है और इस रिपोर्ट पर परीक्षा अधिनियम में थाना कोतवाली पर प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है और जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए रात में ही स्पेशल टीम रवाना की गई है। आरोपी पर आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है। अलवर में परीक्षा संयोजक एसडीएम शहर सुनीता पंकज ने कहा कि परीक्षा के दौरान इस परीक्षार्थी के कक्ष में कुल 13 विद्यार्थी थे जिनका मोबाइल कमरे के बाहर रखवा दिया गया था। अंतिम समय में ओएमआर शीट एकत्रित कर रहे थे, उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात टीचर की ओर से उसे मोबाइल वापस कर दिया गया और इसी का फायदा उठाते हुए एक परीक्षार्थी ने एक मार्कशीट की फोटो ले ली जो वायरल हो गई। अभ्यर्थियों ने एंट्री की थी तो उनको अनाउंस भी कर दिया था कि भाई आपके जो मोबाइल हैं उनको स्विच ऑफ करके और जमा करा दिया जाए, और जैसे ही वो रूम के अंदर गए थे तो वीक्षक ने उनके सभी स्विच ऑफ करके सभी मोबाइल कलेक्ट कर लिए और एक बैग के अंदर रूम से बाहर रखवा दिया था उनको। और जब सर लास्ट में वार्निंग बेल हुई थी 11:55 तो उस दौरान वीक्षक ने 2-3 मिनट रह गए थे तब परीक्षा के वीक्षक के अनुसार, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने उनको मोबाइल दे दिए और फिर मैं ओमआर शीट कलेक्ट करते हुए तभी ये थोड़ी सी जो उनसे भूल हुई है उस दौरान ये भूल हो गई उस अभ्यर्थी ने कैसे और कब ले लिया ये फोटो। प्रशासन ने रात में ही जांच की कार्रवाई करते हुए सेंटर के उप अधीक्षक और 2 ऑब्जर्वर जिनमें धीरज शर्मा और इंद्रजीत सिंह शामिल है उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया है। शिक्षा विभाग इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का मन बना रहा है। इस मामले में प्रिंसिपल समेत 4 कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। इस बारे में अब पुलिस तेजी से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।